यहां पर आपने जब एवरेज वैल्यू निकाली तो कोई कहता है कि ये गलत बात है कि आपने हाफ साइकिल की ही निकाली, आपने कंप्लीट साइकिल की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि साइकिल तो कंप्लीट लिया करते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है कंप्लीट साइकिल की निकाल देते हैं, पर कंप्लीट साइकिल की क्या आती है, जीरो, तो वो आंसर माना नहीं जाता। फिर तरीका निकाला, तरीका ये निकाला कि इसमें कुछ करंट्स पॉजिटिव होंगे और कुछ करंट्स नेगेटिव भी होंगे। तो कोई कहता है फिर एक काम करो, सारे करंट ले लो, I1, I2, I3, अप टू IN, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर करने से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो गई पॉजिटिव। फिर इनका मीन ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, कंप्लीट साइकिल का एवरेज ले लेते हैं। पर किसी ने कहा सर ये तो आपने करंट के स्क्वायर की एवरेज निकाल दी, हमें तो करंट चाहिए था। अब क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। तो ये क्या जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट आ जाएगा। क्लियर है यहां से? तो और ये कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया रूट मीन स्क्वायर का, रूट लेना सभी करंट के स्क्वायर का और फिर उनका एवरेज लेना। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन में बॉक्स में डालो, IRMS का ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है क्या, एवरेज करंट क्या था IDT, और ऊपर रूट नहीं आता था, इसमें रूट आएगा लेकिन इंटीग्रेशन आई की नहीं होगी, किसकी होगी, आई स्क्वायर की होगी, आई स्क्वायर की होगी। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर करने से सारे करंट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, आई की जगह आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो वही है सेम। अब जैसे RMS करंट निकालते हैं, पर RMS करंट निकालने से पहले एक और काम करते हैं। असाइनमेंट नंबर 86 आपको मिली होगी आज हैंड रिटन, 86। देखो इस असाइनमेंट में मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देख लो। ये तो मैंने बता ही दिया AC और DC में क्या फर्क है, DC कांस्टेंट है, AC चेंज हो रहा है, स्पेशली मेडिकल वालों को काम आएंगे कि साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल में यूज होती है और वो भी 0 से कैपिटल T तक, तो करेक्शन करना है यहां पर। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, तो माइनस लगाओ प्लीज यहां पे पहले, तो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी 0 से T तक। तो यहां पे 1 बाय ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, माइनस लगाते जाना हर स्टेप के आगे, माइनस 1 बाय ओमेगा कॉस में एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 0 करो कॉस 0। फिर ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल T, और कॉस 0 क्या होता है, 1। मैथ्स में मेडिकल के लोग याद रखें या माइनस लगा लें, कॉस 2 पाई भी क्या होता है, 1, 1 में से 1 गया 0। आज के बाद इस चैप्टर में हम इस इंटीग्रेशन को फिर से नहीं करेंगे, हमसे कोई पूछेगा भी नहीं। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि अगर साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T तक करनी हो तो सीधा आंसर क्या लिखेंगे, 0। सिमिलरली कॉस की इंटीग्रेशन करनी हो तो भी आंसर 0। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो आज के बाद हम इसे ऐसे ही करेंगे, ठीक। मतलब सॉल्व सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि हाँ ऐसा होता है, नहीं तो फिर याद करता हुआ ठीक नहीं लगता ना, मगर लोग कहेंगे मैथ्स याद करवा देते हैं ऐसे, तो ठीक, तो वैसे ही बताया है, अदरवाइज सीधा ही 0 करेंगे। उसी तरीके से एक और रिजल्ट आप लोग नोट करेंगे, अगर इंटीग्रेशन किसकी पूछी जा रही है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से T तक, तो फिर आप, और ये इंपॉर्टेंट है, 0 से T तक, 0 से T/2 तक नहीं, तो इसके अंदर आप मैथ्स लगाएंगे
कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू ओमेगा टी क्या होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक करते जाना साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। कॉस टू ओमेगा टी में कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या बनेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू। तो मैथ्स में इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम क्या करेंगे वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू, इससे क्या होगा हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, इसकी इंटीग्रेशन तो टी दे देगी, कॉस टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी बाई डी टी ऑफ टू ओमेगा टी, तो टू ओमेगा बाहर आ गया, तो एक बार स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ओमेगा को क्या पुट किया टू पाई बाई टी, टी से टी कैंसल, साइन ऑफ फोर पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, मैथ्स में साइन फोर पाई जीरो, साइन जीरो तो पहली जीरो, ये सेकेंड वाली टर्म क्या हो गई जीरो, सिर्फ क्या बचेगा टी बाई टू। आज के बाद ये भी नहीं करेंगे, नॉन मेडिकल वालों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, उनको तो वो तो कर भी सकते हैं, मेडिकल वाले सीधा रिजल्ट याद करेंगे कि आज के बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी जीरो से टी आंसर क्या देगी टी बाई टू, लिख लेना कैपिटल टी बाई टू, कैपिटल टी बाई टू। और उसी तरीके से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जीरो से टी क्या देगी टी बाई टू, दो रिजल्ट याद रखेंगे, हम सीधा लगाएंगे, हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है यहां तक। स्पेशली मेडिकल वालों के लिए काम आसान हो गया क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स उनके बच जाएंगे अगर वो सीधा रिजल्ट लगाएंगे, क्लियर है। वापस आ जाओ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पे, कैसे हो गई टाइम हो गया, देखो इसको खत्म करते हैं, दो लाइन का ही काम है। आई आर एम एस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी, बात नहीं करनी, आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला यूज किया, आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट करते हैं, आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी जब यहां पुट करेंगे तो ये टर्म क्या आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, इसमें से आई नॉट स्क्वायर क्या जाएगा बाहर आ गया, चेक करो होल स्क्वायर चल रहा है, क्या बचेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कर सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया क्या बचा साइन स्क्वायर, ध्यान आगे प्लीज, डिनोमिनेटर में जीरो से टी की इंटीग्रेशन टी, सीधा रिजल्ट साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन जीरो से टी क्या देती है टी बाई टू, टी से टी कैंसल, I नॉट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा I नॉट बाई रूट टू, बॉक्स में डालो फॉर्मूला I नॉट बाई रूट टू या 0.707 टाइम्स I नॉट, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक। तो नेक्स्ट इज RMS वैल्यू ऑफ AC EMF, सेम चीज, अब RMS वैल्यू किसकी निकल रही है EMF की, सेम है बस फॉर्मूले में आई की जगह ई कर दो, ई स्क्वायर डी टी सेम, अल्टरनेटिंग करंट्स में ईएमएफ क्या होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको उठा के यहां पे पुट कर दें ई की जगह ऊपर, चेक करो तो इसको उठा के जब ऊपर पुट किया तो ये टर्म आ गई ई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या लिखी थी टी बाई टू, सेम रिजल्ट आ गया जो अभी हमने किया था, राइट इसके नीचे लिख लो कि आए आरएमएस या फिर आए अफेक्टिव या फिर आए वर्चुअल, एक ही बात होती है प्लीज, इनके तीन नाम है आरएमएस अफेक्टिव वर्चुअल, एक ही बात है,